प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता की पालना को लेकर एफएसटी टीम अलर्ट पर है। इसी के तहत डिडवाना में नाकाबंदी के दौरान एफएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 2,15,000 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि एफएसटी की टीम द्वारा लाडनू रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान सुजानगढ़ के कुचामन की तरफ जा रही एक कार को टीम ने रुकवाकर चेक किया तो चालक के पास 2,15,000 रुपए कैश मिला। इस पर एफएसटी टीम प्रभारी राजकुमार ने कार के सवार चालक इमरान खान से रुपयों के संबंध में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका, जिस पर टीम ने 2,15,000 रुपए जब्त कर लिया। बाद में इस राशि को डिडवाना के जिला कोषागार में जमा करवा दिया है। कार्रवाई ऐसे थी, हम लाडनू पोलिया से आगे लाडनू रोड पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक वहाँ से सुजानगढ़ से कोई गाड़ी आ रही थी जो कुचामन के लिए जा रही थी, उसमें से 2,15,000 रुपये हमें कैश मिले, जिस पर उससे पूछताछ करने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसे हमने राशि जब्त करके और जब्ती करके उसको ट्रेजरी में जमा किया।